राधे हरे कृष्णा। हम सब घर में पूजा पाठ के लिए मंदिर की स्थापना करते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाकर अपने मन को शांति देते हैं। जितना महत्व घर के लिए मंदिर का होता है, उतना ही महत्व मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों का भी होता है। घर में मूर्तियों की संख्या कितनी रखते हैं, इसका संबंध भी ज्योतिष शास्त्र से होता है। हालांकि मंदिर में रखी जाने वाली मूर्तियों की संख्या आपकी अपनी पसंद पर निर्भर कर सकती है, लेकिन अगर आप ज्योतिष की माने तो इसके अनुसार किसी भी भगवान की एक से अधिक मूर्ति ना रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आता है कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति क्या हम दो रख सकते हैं, क्या हम लड्डू गोपाल जी के स्वरूप दो रख सकते हैं? तो लड्डू गोपाल जी की मूर्तियों से जुड़े भी कुछ नियम हैं जिनका पालन ज़रूरी माना जाता है। यदि आप घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, आपको उनका पूरा पूजा पाठ से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए और आप लोग करते भी हैं। एक अहम सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही होता है, क्या हम घर में दो लड्डू गोपाल रख सकते हैं? कई बार ये होते हैं कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, फिर हमारा मन कहता है कि हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। जो छोटे लड्डू गोपाल जी का करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में ले आते हैं। आइए हम जानते हैं इसी बारे में कि क्या हम दो लड्डू गोपाल जी अपने घर में रख सकते हैं। आमतौर पर तो लोग घर में एक ही लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और उनका पूजन पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। मान्यता है कि घर में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी होती है तो आपको उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। लड्डू गोपाल की भक्ति करना एक प्रथा होने के साथ भक्तों के विश्वास पर भी निर्भर करता है। जो भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वे उनका पालन पोषण एक छोटे बच्चे की तरह ही करते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी का स्थान मंदिर में देते हैं और उनको एक भगवान की तरह ही पूजते हैं। तो ये सब हमारे मन के भाव हैं, क्योंकि कान्हा जी तो वैसे भी भगवान तो वैसे भी भाव के ही भूखे होते हैं। तो हमारा अपना मन का भाव है, हम उनकी सेवा किस तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें कि लड्डू गोपाल जी की कितनी मूर्तियां हमें अपने घर में रखनी चाहिए, तो ज्योतिष के अनुसार आप घर में दो लड्डू गोपाल रख सकते हैं। हालांकि यदि आप दो मूर्तियां रखते हैं तो आपको एक लड्डू गोपाल की पूजा कृष्ण के बाल रूप की तरह और दूसरे की पूजा बलराम के बाल रूप की तरह करनी चाहिए। और अगर अब हमारे पास दो लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें उनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर आपके घर में दो लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उनकी सेवा भी अलग अलग तरीके से करें। दोनों लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदलें। आपको दोनों लड्डू गोपाल की मूर्तियों को अलग अलग तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए, जिससे कि उनका स्वरूप अलग दिखे और दोनों मूर्तियों के बीच का अंतर पता चले। वैसे तो ये अंतर हम छोटे स्वरूप और बड़े स्वरूप से अलग पता चल ही जाता है, लेकिन अगर सेम साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका श्रृंगार हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम उनका भोग अर्पित कर रहे हैं उनको, तो हमें उनका भोग भी अलग अलग लगाना चाहिए। दोनों ही मूर्तियों की सेवा अलग अलग तरीके से करें और आपको उनकी दिनचर्या में कोई चरण छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल की दोनों मूर्तियों की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है और घर में खुशहाली भी बनी रहती है। लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना आपकी श्रद्धा का ही एक हिस्सा होता है। वैसे तो आप किसी भी शुभ दिन में घर पर लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जन्माष्टमी या पूर्णिमा तिथि को इनकी स्थापना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, उनके नियमों का पालन करके घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए इनकी मूर्ति घर लाएं, उनका नामकरण करें, आप उन्हें सम्मानपूर्वक पंचामृत से स्नान कराएं और फिर नए वस्त्र पहनाएं। लड्डू गोपाल के लिए एक उचित स्थान या
चौकी बनाएं, और जब आप घर में दूसरे लड्डू गोपाल जी को लेकर आएं तब भी आपको इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। आपको और हमको सबको पता ही है कि लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा माखन और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें दिन के पहले भोग के रूप में माखन मिश्री अर्पित करें। इसके बाद आप उन्हें दूध का भोग लगाएं, जिससे उनकी दिनचर्या का आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि वो कान्हा का बाल रूप ही हैं, इसलिए आप उनकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह ही करें। लड्डू गोपाल जी को कम से कम दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोग में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे यहाँ से लड्डू गोपाल जी की एक्सेसरीज और ड्रेसेस भी परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।